वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुप कुमार और स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल कैमरी टेक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10,000 के अंदर आने वाले वैसे बेहतरीन स्मार्टफोन जो अपनी कंपनी के सबसे बेस्ट फीचर लेकर आते हैं 10,000 के रेंज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चूंकि इस वीडियो में आपको एक से अधिक फ़ोन के बारे में बताऊंगा, तो मैं सिर्फ उन्हीं फीचर्स को हाईलाइट करके बताऊंगा जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और मैं समझता हूं कि यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले स्मार्टफोन की, तो यह है Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi Note 8। दोस्तों, इसके लुक की बात करें तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों ग्लास डिज़ाइन है। आपको फ्रंट में 6.3 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, और वहीं पर बैक में आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर और 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करें अगर कैमरे की, तो इसमें मेन कैमरा जो है वह 48 मेगापिक्सल का है और अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है वह है 8 मेगापिक्सल का, और इसमें दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको देखने को मिलता है जो कि LED फ्लैश, HDR और पैनोरामा फीचर्स के साथ आता है। वहीं पर बात करें सेल्फी कैमरे की, तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करें चिपसेट की, तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और यह फ़ोन दोस्तों एंड्रॉयड 9 पर चलता है और MIUI 11 इसका OS है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें मेमोरी की, तो इसमें आपको 3 GB रैम से लेकर 6 GB रैम तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें इंटरनल स्टोरेज की, तो इसमें आपको 32 GB से लेकर 128 GB तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, और यह 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन आपको 18 वाट का जो चार्जर ब्रिक है वह आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा, यह आपको अलग से लेना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करें अगर इसकी कीमत की, तो यह आपको लगभग सेल में 10,000 या इसका जो सबसे लोअर वेरियंट है वह 10,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि उस समय कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है। दोस्तों, बात करें दूसरे स्मार्टफोन की, तो यह है सैमसंग की तरफ से आने वाला गैलेक्सी M30। बात करते हैं अब इसके लुक की, तो यह सामने से आपको एक ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप और एक LED फ्लैश देखने को मिलता है, और उसके साथ एक आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसका डिस्प्ले का साइज़ है 6.4 इंचेज जो कि एक एमोलेड पैनल है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कैमरे की, तो इसमें मेन कैमरे में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है विथ LED फ्लैश। और दोस्तों, इसका वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें, तो यह आपको 1080p 30fps तक मैक्सिमम रेजोल्यूशन देता है। और दोस्तों, बात करें अगर सेल्फी कैमरे की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है। दोस्तों, बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो यह डिवाइस फिलहाल एंड्रॉयड 10 और One UI 2 पर रन कर रहा है, और यहीं पर इसमें चिपसेट जो लगा है वह है एक्जिनोस का 7904 चिपसेट। दोस्तों, बात करें अगर मेमोरी की, तो इसमें आपको 3 GB रैम से लेकर 6 GB रैम तक का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें, तो इसमें आपको 32 GB से लेकर 128 GB तक का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें हम इसके बैटरी की, तो इसमें आपको ह्यूज बैटरी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 15 वाट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। दोस्तों, यह फ़ोन भी आपको लगभग 10,000 के करीब मिल जाएगा। चूँकि इस समय लॉकडाउन की वजह से सारी वेबसाइट पर सभी मोबाइलों का जो प्राइस है वह क्लियर नहीं लिखा गया है, इसी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है एग्जैक्ट प्राइस बताने में। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे। दोस्तों, यह फ़ोन उनके लिए है जो कि सैमसंग कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी का फ़ोन यूज करना नहीं चाहते हैं या सैमसंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब तीसरे स्मार्टफोन की, तो यह है रियलमी की तरफ से आने वाला 5i। दोस्तों, बात करें अगर हम इसके लुक की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, वहीं पर बैक में आपको 4 कैमरों का सेटअप देखने को मिलता है विथ LED फ्लैश एंड एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों, यहाँ पर आपको राइट साइड में सिर्फ पावर लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिलेगा, वहीं पर लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर का बटन और सिम ट्रे यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें अगर हम डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.52 इंचेस का LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कैमरे की, तो आपको रियर में 12 मेगापिक्सल का एक वाइड
मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एलईडी फ्लैश भी देखने को मिलता है। और दोस्तों वहीं पर बात करें अगर हम सेल्फी कैमरे की, तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों यह डिवाइस फिलहाल एंड्रॉयड 9 कलर ओएस 6 पर रन कर रही है और इसमें जो चिपसेट लगाया है वह है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 665। दोस्तों बात करें अगर हम इसमें मेमोरी की, तो यहाँ पर आपको 3GB रैम और 4GB रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इसमें यहाँ पर आपको 32GB और 64GB का ऑप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बैटरी की, तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि 10W स्टैंडर्ड चार्जिंग के साथ आती है। और लास्ट में बात करते हैं इसकी कीमत की, तो यहाँ पर यह फ़ोन भी आपको लगभग 10,000 के करीब में मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे और हमारे लिस्ट के सबसे लास्ट स्मार्टफोन की, तो यह है वीवो की तरफ से आने वाला U10 स्मार्टफोन। दोस्तों अगर बात करें इसके लुक की, तो यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको पावर लॉक अनलॉक और उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर का बटन देखने को मिलता है। वहीं लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं पर बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.35 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों यह मोबाइल एंड्रॉयड 9 और फन टच 9.1 पर रन कर रहा है और इसमें जो चिपसेट यूज हुआ है वह स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 665। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। वहीं पर बात करें अगर इसके कीमत की, तो दोस्तों यह मोबाइल भी आपको लगभग 10,000 के करीब में मिल जाएगा। हो सकता है इससे कम में भी मिले अगर कोई सेल आती है तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।